दोस्तों आप लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं समझता हूं आप में से मैक्सिमम पीपल ऑनलाइन सेलर्स होंगे। कुछ लोग काफी टाइम से ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस रन कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने हाल ही में ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया होगा और कुछ लोग ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। अब वो कैसे है पॉसिबल, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो लोग ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस को 2 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम से रन कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस हमारी ई सेलिंग ज्ञान फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कि मैं अपने चैनल पर ज्यादातर अमेजन और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ही वीडियोस पोस्ट करता हूं। इसका मेन रीजन ये है कि मुझे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलिंग का एक्सपीरियंस है और उसी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बस यही चीज मैं आप लोगों से भी चाहता हूं। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों को भी ऑनलाइन सेलिंग में एक्सपीरियंस है, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, पेटीएम मॉल पर, शॉपक्लूज पर, या फिर मिंत्रा पर, या फिर किसी और मार्केट प्लेस पर आप ऑनलाइन सेल करते हो, या फिर आप ग्लोबल सेलिंग करते हो, या फिर आप अपना स्टोर बनाकर ऑनलाइन सेल कर रहे हो, या फिर आप शॉपिफाई के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, आप किसी के भी थ्रू ऑनलाइन सेलिंग करते हो और आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस को आप हमारी ई सेलिंग ज्ञान फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो तभी आपको शेयर करना है। अगर आपका किसी प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है तो उसे भी आप हमारी ई सेलिंग ज्ञान फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में अचीवमेंट हासिल की है तो वो भी हमारे ऑनलाइन सेलर्स के साथ शेयर कीजिए, वो उनके लिए एक मोटिवेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके का आपके पास ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस हो तो वो ई सेलिंग ज्ञान फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और इससे हम सबकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब देखिए, आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको फिर कैसे प्रोसीड करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर हैंडल है @eSellingGyan। आप वहां पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस शेयर करना है और आपका नाम क्या है। मैं एक बार उसे चेक करूंगा, अगर मुझे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डायरेक्टली आपसे वहां पर पूछूंगा और उसका आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद हम जूम ऐप के थ्रू वीडियो कॉल करेंगे। आप अगर वीडियो कॉल के थ्रू कंफर्टेबल हो तो वीडियो कॉल पे, और अगर आप ऑडियो कॉल पे कंफर्टेबल हो तो ऑडियो कॉल के थ्रू हम बातचीत करेंगे और उसी को हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे, जिससे आपका एक्सपीरियंस ई सेलिंग ज्ञान फैमिली के व्यूअर्स देख पाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम रन नहीं करते हैं तो आप मुझे फिर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं eSellingGyan@gmail.com पर। eSellingGyan@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं या फिर मेरी टीम का कोई पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वही इंटरेक्शन हमारी ई सेलिंग ज्ञान फैमिली व्यूअर्स देख पाएंगे, जिससे कि सभी को बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसे लगा। और मैं उन सभी ऑनलाइन सेलर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो प्लीज इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी ऑनलाइन सेलर्स का बेनिफिट हो सके। और एक चीज और, अगर किसी भी ऑनलाइन सेलर को प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि वो नहीं चाहता कि उसका सेलर डिस्प्ले नेम हम रिवील करें, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे रिवील नहीं करूंगा। मतलब ऑब्वियसली जो आप लोग चाहेंगे कि जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है सिर्फ वही शेयर किया जाएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जो लोग एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन सेलर्स हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस ऐसे ही लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।